So even to produce, even to for a baby to come in this world, it takes 9 months. 9 महीने लगते हैं ना बच्चे को भी आने के लिए. आपको बढ़ने के लिए 8.5 साल 9 साल लग जाते हैं. सो कैन यू रिकवर इन एन इंस्टेंट? क्या ऐसा होता है? क्या आम का पेड़ आप 10 दिन में आ जाएगा, आम पैदा करने लग जाएगा? नहीं, ये सोच गलत है. द थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग. क्योंकि व्हेन यू थिंक ऑफ ट्रीटमेंट, यू थिंक ऑफ अ पिल. दवाई से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन द साइकी, इट हैज गॉन इन टू द साइकी सो मच, आपकी साइकोलॉजी में बिठा दिया गया है. पहली बात तो दवाई से कोई ठीक नहीं होता, बीमार होता है. ये आपको समझना पड़ेगा. नाउ देयर इज अ रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. हर एक का रिकवरी स्ट्रेंथ अलग अलग लेवल पे है. सो इट विल टेक डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू रिकवर. हैव यू सीन द टेस्टिमोनियल? टेस्टिमोनियल देखा आपने? 15 दिन में लोगों के अगर इनहेलर या पफ छूट रहे हैं, नहीं लेने की जरूरत पड़ रही, तो 15 डेज, फॉर सम 15 डेज इज एन अनफ टाइम, बट अदर्स माइट टेक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल भी लग सकता है. देखो, रिकवरी तो पहले दिन से शुरू होता है, दैट इज गारंटीड. फर्स्ट डे द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, योर रिकवरी विल स्टार्ट हैपनिंग. बट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिकवर कंप्लीटली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दवाइयां खा के अपना बेहाल कर चुके हैं. अगर आपने 20 साल दवाइयां खाई तो आप क्या 20 दिन में रिकवर हो जाएंगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि और कोई तरीका ही नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो आई गिव यू अ डील. एक डील देता हूं मैं आपको, और मैं कहता हूं 3 साल में 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको. इज इट अ बैड डील? आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, तो इट इज नॉट अ बैड डे. रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसी समय से रिकवरी शुरू हो जाती है. डिफरेंट पीपल माइट टेक डिफरेंट टाइम. हाँ, रिकवरी होने के बाद में क्या मुझे कुंभक करने की जरूरत पड़ेगी? ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि मुझे कब से सांस लेना छोड़ना चाहिए. बिकॉज ब्रीदिंग इज ऑल्सो एन एफर्ट. इट इज बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम एन एफेक्ट यू एफर्ट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप एवरीथिंग. हर चीज एक एफर्ट बन गया है, तो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज को. ऑब्वियसली रिकवर हो जाते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, कुंभक को छोड़ सकते हैं, मगर क्या आप उस रिकवरी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएंगे? हाँ, दिस इज अ एडवांटेज दैट वंस यू नो हाउ टू रिकवर, इवन इफ यू ड्रॉप योर प्रैक्टिसेस आफ्टर सम टाइम, व्हेन यू फील लाइक यू आर गोइंग डाउन, यू कैन पिक अप द प्रैक्टिस अगेन. तो आपको मालूम है रिकवर कैसे होना है, ये आपको पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप कुछ समय तक कुंभक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर डिजीज, बीमारी के मामले में भी आपके जीवन को नहीं बदलता है. ये आपकी मेमोरी बढ़ा देता है, ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है, ये आपके जीवन जीने की इच्छा को बढ़ा देता है, ये आपके काम करने की इच्छा को बढ़ा देता है, ये आपके एम्बिशंस बढ़ा देता. ये आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कुंभक करेंगे कुछ समय तक तो. सो ये लाइफ को एक्टिवेट कर देता है. और उसके बाद जो लोग कुछ समय तक कुंभक कर लेते हैं प्रैक्टिस रेगुलर, वो नहीं छोड़ना चाहते. यू डोंट वॉन्ट टू ड्रॉप इट बिकॉज दे नो वॉट इट इज गिविंग देम.